नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए, मैं वेरियस सेक्टर्स पे आपको वीडियो डालता रहता हूँ और डिटेल स्टडी डालता हूँ। इनफैक्ट अगर आप उसको स्टडी करें, उस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश करें, अपने कंसल्टेंट से बात करें, तो अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो आज मैं जो सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इवॉल्विंग इंडस्ट्री है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आगे आने वाले 5 से 10 सालों में। इसको इसका सेक्टर को स्टडी करना ये बेहद जरूरी है और इसके बारे में इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate the SEMICON 2024 India in the Greater Noida today at around 10:30 a.m. He will be addressing the gathering on the occasion as well. It has been a long-standing vision of the Prime Minister to position India as a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development. देखिए, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ईवी रेवोल्यूशन हो रहा है, 5G का रोल आउट हो रहा है और एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इवॉल्वमेंट हो रहा है जिसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ और चेंजेस की उम्मीद है। आपको पता है, ये कोविड टाइम के बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसिस दिया कि सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में भी होनी चाहिए और तब से इस पे काम चल रहा है। ये डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज डिमांड के लिए है और जिससे कि एक इंडिया में जो सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से ही फुलफिल हो पाए और इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सेमीकंडक्टर जो है इंटीग्रल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। सो जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है वो एक बहुत क्रूशियल है इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी सेक्टर सेमीकंडक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेंटली जो है इंडिया जो है पूरा रिलाई करता है इम्पोर्ट्स पे सेमीकंडक्टर के लिए, और जो कंट्रीज जिस पे रिलाई करता है वो है ताइवान, चाइना, कोरिया, वियतनाम। बट कोविड के बाद ये रियलाइज हुआ कि हमें इंडिया में भी इसके सेमीकंडक्टर के बारे में सोचना चाहिए। सो जिस तरह से इंक्रीजिंग डिमांड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का और अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की, इसलिए सेमीकंडक्टर में काफ़ी सारा काम इंडिया में चल रहा है और इसके बारे में जानना बहुत अहम है। देखिए, जो सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़कर ग्लोबल वैल्यू चेन्स और सप्लाई चेन्स में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। सेक्टर है वो करीब 40 से 50% की ग्रोथ देख सकता है पिछले तीन ती, अगले तीन चार 3 से 4 साल में। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो सकता है इसकी ग्रोथ 3 से 4 साल में। 2023 में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री जो है वो 34.3 बिलियन USD वैल्यू हुई थी और एक्सपेक्टेड है कि 2032 तक ये 100.2 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए, इट विल बी मोर देन 3 टाइम्स, राइट? ये क्यों होगी? क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड है स्मार्टफोन्स की, वियरेबल्स की, ऑटोमेटिव पार्ट्स की और कंप्यूटर्स की। तो सेमीकंडक्टर जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ग्रोथ में और ये ख़त्म होने वाली नहीं है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी, राइट? जो रेवेन्यू जो है सेमीकंडक्टर्स मार्केट में प्रोजेक्टेड है कि 63,638.70 बिलियन 2024 तक में हो जाएगी। To the satellites in space. Electronics today are made possible by a tiny component, semiconductors. The foundational industry of all tech-driven transformation, semiconductors form our modern world. It has a 5 to 6 times job multiplier effect on the downstream industry. It is the backbone for digital infrastructure, just like steel is for physical infrastructure. इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो एक सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है वो डोमिनेट करता है मार्केट के पोटेंशियल, मार्केट वॉल्यूम को, और वो है 316.40 2024 में, राइट? जो CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 12.05% एक्सपेक्टेड है और जिसमें वो मार्केट वॉल्यूम जो है करीब 1128 बिलियन एक्सपेक्टेड है बाई 2029, राइट? और ग्लोबल कंपैरिजन अगर करें तो अभी आज की डेट में मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड इन चाइना, राइट? सो अल्टीमेटली टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी भी इसे बोलते हैं, वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे काम कर रही है विथ अ USD ऑफ 10 बिलियन कमिटमेंट, राइट? सो आप निश्चिंत होके ये सोच सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है इज गोइंग टू बी बिग बिग बिग। सपना मेरे देश का नौजवान देखे, टैलेंट यहाँ है,
सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं। और इसके लिए उन्होंने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स निकाले हैं जिससे कि सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर सकें, और गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव निकाला है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव निकाला है जिसे PLI स्कीम बोलते हैं, जिससे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ सके। राइट, तो जो सेमीकंडक्टर मार्केट है इंडिया में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने लगा है पिछले कुछ सालों में, और ये ड्रिवन कैसे, कस्टमर प्रेफरेंसेस की वजह से, मार्केट के ट्रेंड की वजह से, लोकल स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से, और अंडरलाइंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। सो semiconductor एक बहुत बड़ी opportunity है। Century has chips, what we call semiconductors. They're everywhere in our phones, in our cars, in our appliances, even in our weapons. Modern life is simply not possible without chips. But like oil, not every country makes chips. In 2021, India tried to enter this market. The government announced an incentive program to attract investors. अगर आप देखें तो अभी एक ही दो दिन पहले का न्यूज़ है कि अडानी को 10 बिलियन चिप प्लांट का ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10 बिलियन इजराइल्स टावर एंड अडानी ग्रुप सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है। सो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी। अभी तक जो सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट है उसका एक आपको झलक दे देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे। अभी तक टाटा ने गुजरात में 91,526 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है, यह इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। टाटा ने असम में 27,120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। माइक्रॉन ने गुजरात में 22,516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। सीजी पावर ने गुजरात में 7,584 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। काइनेस ने गुजरात में 3,307 करोड़ का प्लान किया है। टावर एंड अडानी इन महाराष्ट्र ने 83,974 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, और RRP ने महाराष्ट्र में 24,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया। सो इसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। Tonight we want to talk about semiconductors or chips. They're shaping our present and they will define our future. India wants to be a semiconductor powerhouse. By 2029, India wants to be among the world's top 5 chip producers. तो इसीलिए मैं कुछ स्टॉक्स आपको बताता हूँ, इसके बारे में डिटेल तो नहीं बात करूंगा बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको कंपनीज के नाम बताता हूँ, इसके बारे में आप जरूर स्टडी करिए, और इन पे अगर आपको मौका मिले और आपके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ने आपको अगर उसमें पॉजिटिव कंफर्मेशन दिया तो इसमें इन्वेस्ट करना ना भूलें। पहला है HCL टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पे काम कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक है, ABB ये तीसरी कंपनी है, और चौथी कंपनी इंडिया, पांचवी कंपनी है वेदांता। इसके अलावा छठी कंपनी है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। सीजी पावर बेसिकली क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी की ग्रुप है, राइट, हिटाची एनर्जी है, वी गार्ड इंडस्ट्रीज है। सो ये 8 इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप स्टडी करिए, इनके इनका ग्रोथ देखिए, और अपना एक डिसीजन लीजिए बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और अगर आपको लगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी है तो इन्वेस्ट अभी करना, बिकॉज उसके बाद बहुत ही लेट है। कंक्लूजन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है एक कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी तो देती है, जैसे मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि इसका इंटीग्रल रोल है इन दी एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, और इसके साथ थोड़ी बहुत तो रिस्क है, इनफैक्ट सबके साथ रिस्क होती है, तो ये रिस्क को आपको भी समझना जरूरी है। सेमीकंडक्टर ब्लू चिप स्टॉक्स इन इंडिया कैन बी हाईली वोलेटाइल ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, और इंडियन सेमीकंडक्टर जो मार्केट है वो हाईली कम्पिटिटिव होने वाली है, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज इसमें घुस गई हैं और सब अपना मार्केट शेयर चाहती हैं। सो जब इतनी सारी कंपटीशन हो जाती है तो प्राइस वार होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, और कई बार ये नेगेटिवली स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बट वो साइक्लिकल है, राइट, और इसको समझना बहुत जरूरी है। बट ये एक अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक सेमीकंडक्टर के भी होने चाहिए, और इसके बारे में आप जरूर स्टडी करिए, और आपको लगता है कि अगर इसमें अपॉर्चुनिटी है और आई एम टॉकिंग सेंस, देन प्रोबेबली यू शुड इन्वेस्ट। सो जाते जाते ये जितने भी टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं ये सब्सटेंशियल ग्रोथ फ्यूचर में दे सकते हैं,
क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्रिवन है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. सो थारो रिसर्च और केयरफुल कंसिडरेशन की बात जरूर है, बट इस पर ध्यान देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी. और अभी नहीं करेंगे तो बहुत लेट, इस पर जरूर आप स्टडी करिए, आपको जो ठीक लगे वो करिए. लेकिन ये स्टडी जो है मुझे लगा कि आपको शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर किया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपकी कोई फीडबैक है इसको, प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, नमस्कार.